हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिजीत आके खोलो, आके खोलो। तुम कुछ बहुत कर रहे हो। अभिजीत ये कुछ बोल ले रहा है सर। तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। अभिजीत नहीं, अभिजीत कुछ बोलो अभिजीत, प्लीज प्लीज। सर आपकी बात कर, आप इसे कुछ बोलिए सर। सर आपकी बात बताइए सर, प्लीज प्लीज। अभिजीत इतना सारा खून बह गया, इनका फॉरो ऑपरेशन करना, जो कर रहे जल्दी करो, चलिए चलिए जल्दी जल्दी कुछ भी हो जाए, इसे कुछ नहीं होना भगवान, कुछ साल पहले मेरी वाइफ ने दया सर के जान की भीख मांगी थी, आज मैं तुझसे अभिजीत सर के जान बचाने की दुआ मांगता हूं। मैं जानता हूं कि मैं तुझे बहुत तकलीफ देता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ मांगता रहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस अभिजीत सर की जान बचा लो, अभिजीत सर की जान बचा लो भगवान। सर अभिजीत सर को कुछ नहीं होगा सर। सर, सर मेरा दिल कह रहा है कि वो ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सर। ऑपरेशन चल रहा है। सर खतरे की तो कोई बात नहीं है ना? खून बहुत बह चुका है, बहुत बह चुका है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए।
तारिका बेटा कुछ नहीं होगा अभिजीत को, हाँ कुछ भी नहीं होगा अभिजीत को, हाँ एसीपी साहब खबर अच्छी नहीं है। लेकिन क्या क्या खबर है, कैसा है अभिजीत बताइए। अभिजीत के साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक महीना हो चुका है। मगर अभिजीत के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका विश्वास नहीं हो रहा सर। ऐसा लगता है कि अभी इस दरवाजे से अंदर आएगा ब्यूरो में मुझसे कहेगा कि दया इस केस में मुझे यह पता चला है हमें ऐसा करना होगा वैसा करना होगा। फोन की घंटी बजती है तो मुझे लगता है कि सर मुझे लगता है कि अभिजीत कहां गया सर। मेरा दोस्त जो मेरी एक आवाज पर कहीं से भी आ जाता था बुलाना मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है बुलाना। दया समझ सकता हूं मैं, तुम उसे भूल नहीं सकते, हालांकि मैं भी नहीं भूल सकता अभिजीत को, लेकिन अतीत को भूलना ही होगा दया, अतीत को भूलना ही होगा और वर्तमान का स्वीकार करना होगा हमें। दया होनी को हम टाल नहीं सकते थे, जो होना था हो चुका। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, और हमारा अभिजीत ही क्यों? हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके सर, कुछ नहीं कर सके। वो वहां सड़क पे गोलियां खाकर तड़प रहा था और मैं देखता रहा सर, मैं कुछ नहीं कर सका उसके लिए। हम करेंगे दया, जरूर करेंगे। जिसने भी अभिजीत पर गोलियां चलाई ना, उन्हें एक एक करके पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे
ऊपर फांसी के तख्ते तक लेकर जाएंगे। कोई नहीं छूटेगा हमसे, बस एक बार वो आकाश कोर्ट में गवाही दे, बस। आकाश कल कोर्ट में गवाही नहीं देंगे। क्या आकाश कल कोर्ट में गवाही नहीं देगा? क्यों, ये तुम क्या कह रही हो शमिता? आकाश हमारा एकमात्र गवाह है, एकमात्र गवाह। और अगर आकाश ने कोर्ट में गवाही नहीं दी तो बाबुल को फांसी नहीं होगी, लेकिन मेरी बेटी की जान तो बच जाएगी ना। वैसे भी अब तक सीआईडी कुछ नहीं कर रहा है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि सिया जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन मिली तो नहीं ना अब तक, एक महीना हो गया। लेकिन आप लोगों ने अब तक ये नहीं पता लगाया कि किडनैपर्स ने मेरी बच्ची को रखा कहाँ है। ऊपर से हमें धमकी भरी कॉल्स आ रही है कि अगर आकाश ने कल गवाही दी तो वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। देखिए, हमें गवाही वगैरह देकर महान बनने का कोई शौक नहीं, हमें हमारी बच्ची ज्यादा प्यारी। और यही बताने हम यहाँ आए हैं कि कल कोर्ट में आकाश गवाही नहीं देगा। आकाश, क्या तुम गवाही नहीं दोगे? देखो आकाश, हम तुम पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल रहे। कोर्ट में गवाही देनी है या नहीं देनी, ये सिर्फ तुम्हारा ही फैसला रहेगा। बस इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम कोर्ट में गवाही दो। देखिए प्लीज, इस तरीके से मेरे पति को भड़काना बंद करिए। वो अपना फैसला ले चुके। आकाश, हमें हमारी बेटी जिंदा चाहिए ना। कह दीजिए आप इन लोगों से कि कल आप कोर्ट में गवाही नहीं देंगे। बताओ आकाश, क्या तुम कोर्ट में गवाही दोगे या नहीं दोगे? I'm sorry, sir. देखा आपने? और आप लोग प्लीज, आपके साथी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बदला लेने के लिए मेरे पति का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर होगा। क्या कहा आपने? हम अपने साथी का बदला ले रहे हैं? शमिता जी, अगर आपको चिंता है तो सिर्फ अपने परिवार की, आपको आपके बेटे की चिंता है। आपको मालूम ही है कितने लोग मारे गए उस ब्लास्ट में? हा? कितने घर उजड़ गए, कितने लोग जल के राख हो गए, आपको मालूम है? नहीं, पर आप कह रही हैं कि आकाश, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जीकर भी देखो, दूसरों के लिए जीकर देखो। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में मैं सिर्फ एक ही गवाह पेश करूंगा जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि 4 जुलाई को BTW रोड पर जो धमाका हुआ था उसमें बाबुल का ही हाथ था। गवाह को पेश किया जाए। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो मिस्टर आकाश, जरा गौर से देखिए, क्या ये वही आदमी है जिसे आपने 4 जुलाई को BTW रोड पर बम रखते हुए देखा था? आ, 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 आ,
बोलिए मिस्टर आकाश, यही है ना वो आदमी जिसे आपने उस दिन बम रखते हुए देखा था? मिस्टर आकाश आप घबराइए नहीं, आपने जो कुछ भी देखा है वो अदालत को सच सच बताइए, वो भी बिना किसी डर के। अगर आकाश ने कल गवाही दी तो वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे। कि अपने लिए तो बहुत सारे लोग जीते हैं, कभी दूसरों के लिए जीकर भी देखो। जी सर, ये वही आदमी है। शमिता प्लीज ऐसी मनहूस बातें मत करो, सिया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो एक अच्छे बाप बनने से ज्यादा एक अच्छे नागरिक बनने की पड़ी थी ना। शमिता एक बात कहूं, देखो सिया बहुत जल्दी वापस आ जाएगी तुम्हारे पास। एक महीना हो गया और मैं सिया का आप लोग कुछ पता नहीं लगा पाए। ऊपर से आप ये दावा करते कि वो वापस आ जाएगी, बताइए मेरी सिया कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे पता है आप लोगों को सिर्फ अपने मेडल की गिनती बढ़ाने की पड़ी और उसके लिए चाहे एक माँ की बच्ची उसे छिन जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये वही एसीपी प्रद्युमन है ना जिन्होंने अपने खुद के बेटे को मार डाला था। आप महान होंगे एसीपी साहब, पर हम लोग आम इंसान है और हमें आपकी तरह महान बनने का कोई शौक नहीं है। शमिता सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, आप तो जानते हैं ना। मैं समझ सकता हूं। सिया, सिया, सिया तो नहीं, सिया, 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 नहीं हाथ मत लगाओ। सचिन फ्रेडी देखो बाहर कोई है क्या? पूर्वी इंस्ट्रूमेंट लेकर आओ, बॉम्ब हो सकता है। आप लोग सब अंदर जाइए, दूर हट जाइए, हो सकता है बॉम्ब हो इसमें, जाइए प्लीज। बॉम्ब नहीं है इसमें, फिर होगा क्या इसमें? ये ना, ये सिया की नेज़ है, ये सिया की नेज़ है।
आइए बैठिए। मेरी बच्ची। बैठिए प्लीज। क्या संभालू? संभालने से क्या मेरी बेटी वापस लौटा सकती हूँ? मेरी बच्ची। सर बाहर तो कोई भी नहीं सर। बाहर कोई भी नहीं है। नहीं सर। हाँ डॉक्टर साहब, अभिजीत को होश आ गया। थैंक गॉड। अभिजीत कैसी है तबीयत अब? हाँ, उठने का नहीं, डॉक्टर ने कहा है कम से कम 2 महीने बिस्तर में लेटे रहना पड़ेगा। ये डॉक्टर लोग कुछ भी कहते रहते हैं सर, उन्हें क्या पता। एक सीआईडी ऑफिसर की तबीयत बेड पे लेटने से नहीं, ड्यूटी पे जाने से ठीक होती है। मैंने कहा था ना, ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। दोबारा हॉस्पिटल के आसपास नजर भी नहीं आना। तुम्हें इस हाल में देखकर हम सब पे क्या बीत रही है हम बयान नहीं कर सकते। इतनी चिंता मत कर यार, तुम्हारे पोतों को कहानी सुनाए बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाला। तारिका, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। थैंक यू। लगता है मुझे अब दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ध्यान रखा करो अभिजीत, गोली तुमको लगती है और दर्द हम सबको होता है। अरे अभिजीत, अरे कमाल है यार, भाई छुट्टियां लेनी थी तो प्रद्युमन को बोल देते, ये मना थोड़ा ही करता, उसके लिए इतनी गोलियां खाने की क्या जरूरत है यार। देखा सर, इस हालत में भी सारों के साथ मेरी टांग खींचने से बाज नहीं आ रहे। नहीं नहीं, ये तो सालों का तरीका है मोहब्बत जताने का दोस्त। अच्छा आप जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना लैब में नोकझोंक करने में मजा नहीं आता यार। जी सर, वो सिया, सिया कैसी है सर? क्या हुआ? आकाश ने कोर्ट में गवाही नहीं दी क्या? हाँ, आकाश ने कोर्ट में गवाही दी ना, और बाबुल को फांसी की सजा भी सुना दी गई। ये बहुत अच्छी खबर है सर। अभिजीत, अच्छी खबर तो है लेकिन उसके साथ साथ एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? हाँ। क्या सर? वो नहीं, कुछ नहीं। पहले तुम ठीक हो जाओ, इस केस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या है वो बुरी खबर सर? ओह, सिया, सिया नहीं मिली ना अभी तक आप लोगों को, ये बुरी खबर है ना। कोई बात नहीं सर, मैं अब ठीक हो गया हूं, हम लोग मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। अभिजीत, सिया अब कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी? क्यों क्यों नहीं मिलेगी? मैं ढूंढूंगा ना उसे। उन आतंकवादियों ने सिया की जान ले ली। मर दिया? ये नहीं हो सकता। अभिजीत, ये नहीं हो सकता। अभिजीत, ये नहीं हो सकता। अभिजीत संभालो अपने आप को। ये नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं अभिजीत, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तुम्हारी गलती नहीं है। संभालो अपने आप को, बैठो। नाकाम कोशिशों का कोई फायदा नहीं है। सिया की मौत जिंदगी भर मेरे दिल पे बोझ बन के रहेगी। उसकी मुस्कुराहट हमेशा मुझसे पूछेगी कि
अभिजीत अंकल, आप मुझे क्यों नहीं बचा पाए? अभिजीत अंकल, आप मुझे क्यों नहीं बचा पाए? सर, गौर करने वाली बात यह है कि बाबुल को फांसी का ऑर्डर मिलने के कुछ ही घंटों में सिया को मार डाला गया। मतलब सर, कोई तो है जिसे बाबुल ने कहा होगा कि अगर आकाश ने उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी तो सिया को मार डालो। और वो उन्हीं में से है दया, जो बार बार बाबुल से मिलने जाते थे जेल में, या फिर वो उस दिन कोर्ट में मौजूद था जिस दिन आकाश ने बाबुल के खिलाफ गवाही दी। दया, सिया की मौत से अभिजीत को गहरा धक्का पहुंचा। उसे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक उस बच्ची का कातिल पकड़ा नहीं जाता। आप मुझे याद करोगे ना? और आज देखो आपकी परी आखिरी क्या लाई है। ये लो चॉकलेट का। अच्छा, अब हमारी फ्रेंडशिप तो हो गई, तो आपको गिफ्ट देने तो बनता ही है। ये क्या कर रहे बेटा? नहीं बेटा, ये मेरा लकी बैग। तुम यहाँ पे? माना कि मैं तुम्हारा गम मिटा नहीं सकता, मगर बांट तो सकता हूँ। नहीं दया, वो गम सिर्फ मेरा है, वो दर्द मेरा है, मैं बांट नहीं सकता। दया, जब तक सिया के खूनियों को अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, मुझे चैन नहीं आएगा। दया, प्लीज, जब तक मैं यहां से कुछ सुराग न ढूंढ लूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन जो कार यहां पे थी, क्या मैंने उसे होटल में देखा था। होटल में? गाड़ी का रंग या नंबर वगैरह कुछ याद है? लाल रंग की कार थी दया, और उस पे पीले रंग की पट्टी बनी हुई थी, और उसका नंबर था 7M02M7347। ठीक से नंबर याद है ना? मुझे सीआईडी बनने का बड़ा शौक है सर। दया, 7347 साहब, ये चोरी की कार नहीं है, इसके मालिक ने मुझे बेची है साहब। जी, गाड़ी को देखकर लगता नहीं है कि गाड़ी काफी दिनों से यहाँ से हिली भी है। क्या ये वो कार नहीं है? लाल रंग की बैक्स्टर कार थी, इसका मॉडल भी अलग है, रंग भी अलग। मतलब कोई तो है जिसे मालूम था कि ये गाड़ी यहाँ पे पड़ी सड़ रही है, इसे नकली नंबर प्लेट बना के लाल रंग के बैक्स्टर कार में चिपका दिया। बाबुल को जानते हो? बाबुल? कौन बाबुल? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ साहब, कौन है वो? वही बाबुल जिसे बॉम्ब ब्लास्ट के केस में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वो आतंकवादी? साहब कैसी बातें कर रहे हैं? अपने देशवासियों के खिलाफ गद्दारी करने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूं साहब। तो फिर ये गाड़ी का नंबर उन लोगों के पास कहाँ से आया? कोई तो है जिसने ये नंबर बताया उनको? हाँ साहब, याद आया, कुछ दिनों पहले एक आदमी आया तो था सर। वो काफी टाइम तक गाड़ी की इन्फॉर्मेशन लेता रहा, उसे गाड़ी खरीदनी थी, और हाँ साहब, उसने गाड़ी का नंबर भी नोट किया था। क्या नाम है उस आदमी का? अंगद, अक्सर यहाँ पर आता रहता है,
फिर तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि ये अंगद मिलेगा कहाँ। भागने की सोचो भी मत, समझे? बेहतर यही होगा कि हमारे सवालों का सही सही जवाब दो। सर, हमने कभी बाबुल का किसी भी चीज में कभी साथ नहीं दिया। तो फिर क्या हर दूसरे दिन तुम बाबुल को जेल में खीर खिलाने जाते थे? पैसों के लिए साहब। मतलब? साहब, पंकज हमें हर बार 10,000 रुपया देता था जेल में जाके बाबुल को एक लिफाफा पहुंचाने के लिए। साहब, है कौन ये पंकज? है साहब, वो हमारा दोस्त है। साहब, दोस्त है? और वो लिफाफा? उस लिफाफे में क्या होता था जो तुम बाबुल को देकर आते थे जेल में? क्या होता था उस लिफाफे में? पता नहीं साहब, हमने लिफाफा कभी खोल कर देखा नहीं। हाँ साहब, उस लिफाफे के अंदर क्या होता था ये तो सिर्फ बाबुल जानता है या फिर पंकज। ये पंकज कहाँ मिलेगा बताओ, बताओ जल्दी। साहब साहब, वो यहीं पर आ गया साहब, अभी कुछ आधे घंटे में आ जाएगा साहब। आधे घंटे में आता ही होगा। मुझे छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया सर। छोड़ देंगे? सवाल का जवाब दे दे, छोड़ देंगे? सर, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी पुरानी गाड़ी का पार्ट चुराने नहीं गया था सर। प्लीज सर, सर प्लीज। अगर इस बार भी तेरा जवाब वही रहा ना तो सोच ले। तो क्या कर लेंगे आप लोग? क्या करेंगे? मेरे साथ ये गाड़ी आंख नीचे खाई में फेंक देंगे। मालूम है कितनी गहरी खाई है ये? हाँ, यही कोई 300 फीट है। मालूम है जब इंसान 300 फीट नीचे खाई में गिरता तो क्या होता है उसका? हड्डियों का कचुम्बर बन जाता है। हड्डियों का कचुम्बर तो बनेगा ही, नीचे गिरने से गाड़ी में आग लगेगी और वही तेरा क्रियाकर्म हो जाएगा, समझा? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता सर। सर मैं मरना नहीं चाहता सर। अगर कुछ बताएगा नहीं तो मरना तो पड़ेगा ही तुझे। दया, ये तोता ऐसे नहीं बोलेगा, चल तो इसको अंदर। बताता हूँ सर, सर बताता हूँ। हाँ बता, किसको दिया था उस पुरानी गाड़ी का नंबर तूने? सर कुकू को सर, कुकू को। कुकू? कौन है ये कुकू, कहाँ मिलेगा? सर मुझे नहीं मालूम वो कहाँ रहता है सर। मालूम नहीं है? नहीं सर। चलो अंदर, चलो। मुझे सच में पता नहीं वो कहाँ रहता है सर। ऐसे नहीं बताएगा दया, चल दो इसे अंदर। नहीं सर, सर बताता हूँ सर, सर बताता हूँ सर। सर सर वो रात को, रोज रात को एमराल्ड बार में आता है सर। कहाँ पर हो पंकज भाई? जल्दी आओ ना पंकज भाई, आपके बगैर महफिल जम नहीं रही है। आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, जल्दी आओ सर। अभी बस वो पहुँचने वाला ही है। पहुँचने वाला ही है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर, ये कबूतर मिला है, ये कह रहा है कि कुकू नाम के एक आदमी ने इसे दाना डाला था और कुकू यहाँ इस बार में आने वाला है। अच्छा, मतलब अभिजीत पर गोलियां चलाकर और फिर सिया को मारकर ये सारे पापी जश्न मनाने यहाँ आने वाले हैं। आने दो, देख लेते हैं। वो रहा कुकू सर। ये कुकू है सर? पंकज आ गया सर। पंकज? यस सर। मतलब दया, एक ही आदमी और दो दो नाम, कुकू और पंकज एक ही है।
बेचारा गायब हो गया, यही कहीं होगा सर। पंकज उठो, पंकज क्या हुआ? पंकज सर, सर खून, पंकज किसने मारा तुम्हें? पंकज, पंकज, अरे पंकज, पंकज, माय गॉड, सर ये तो मर गया। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला। हेलो एम्बुलेंस, किसी ने पंकज का खून कर दिया सर। यहीं पर मिलते थे या कोई और भी अड्डा है तुम लोगों का? सर ज्यादातर हम लोग यही मिलते थे सर। हाँ दो चार बार ब्लू फाउंटेन स्कूल की मुलाकात हुई थी सर। ब्लू फाउंटेन स्कूल? हाँ सर, वो अक्सर दोपहर 1 बजे वहाँ पे किसी औरत से मिलने जाता था सर, तो हमें भी कई बार वही मुला लिया करता था। ब्लू फाउंटेन स्कूल, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना उस औरत को जो पंकज को बार बार मिलने जाती थी? उसका चेहरा तो मुझे ठीक से याद नहीं है सर, अब लेकिन जिस कार में वो आती है सर वो मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ सर। सर हाँ वो सर, वो सर, वो गाड़ी? हाँ सर। चल सर देखते हैं, पूर्वी इस पर ध्यान रखना। कविता जी आप? सर मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई को फांसी के फंदे से बचाने के लिए किया, और इसीलिए मैंने सिया की किडनैपिंग में उसका साथ दिया। सर बाबुल ने मुझसे ये वादा किया था कि वो सिया को खराज तक नहीं आने देगा, और मुझे भी लगा कि सिया को बचाने के लिए आकाश भैया अदालत में बाबुल को नहीं पहचानेंगे। मगर आकाश ने ऐसा नहीं किया। हाँ सर, और गुस्से में आकर बाबुल ने अपना वादा तोड़ दिया। अगर मुझे पता होता कि बाबुल सिया को नुकसान पहुंचाने वाला है तो मैं उसका साथ कभी नहीं देती। अब तो पता चल गया तुम्हें, मुजरिम किसी के सगे नहीं होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाबुल और उसके साथियों को आप बिल्कुल मत छोड़ना। राज पैलेस में है उनका अड्डा। राज पैलेस, वो खंडर। चारों तरफ से घेर लेते हैं। मुझे बंद करो सर। छोड़ दो, तुझे छोड़ दो, क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तेरा?
क्यों मारा तूने सिया को? मैंने नहीं मारा सर, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं मारा सर। तूने नहीं मारा, फिर किसने मारा? किसने मारा? वो जिंदा है सर। सिया जिंदा? झूठ बोल रहा है, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू? सच कह रहा हूँ सर, वो जिंदा है सर। बाबुल ने कहा था उसे मार दो, लेकिन मैं उसे मारा नहीं सर। ये सोचकर उसे जिंदा रखा कि कभी गिरफ्तार हुआ तो उसका सौदा करूंगा अपनी जान के बदले। सच बोल रहा है ना? हाँ सर। कहाँ है सिया? वो ऊपर। सिया बेटा, सिया बेटा। सिया बेटा, कैसे हो तुम? देखो I'm sorry बेटा, मेरी वजह से आपको यहाँ पे इतने दिनों तक रहना पड़ा। I'm sorry अंकल, मेरी वजह से आपको इतनी सारी गोलियां खानी पड़ी। अभी कुछ नहीं, अभी तुम्हारे अभिजीत अंकल बिल्कुल ठीक है। मुझे पता था मेरे सीआईडी अंकल मुझे बचाने जरूर आएंगे। कैसे नहीं आता बेटा, ये तुम्हारे फ्रेंड ने प्रॉमिस जो किया था। मुझे पता था मेरा फ्रेंड मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.